कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा को किसान विरोधी बताया है। रणदीप सुरजेवाला सोमवार को अपने कैथल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा खाद पर टैक्स लगाया गया है, खाद का दाम बढ़ाने के साथ वजन भी कम कर दिया गया है, केंद्र और राज्य सरकार डीजल पर भी भारी टैक्स वसूल रही है। रणदीप सुरजेवाला ने खट्टर सरकार पर आढ़तियों को परेशान करने के आरोप भी लगाए। आइए जरा रणदीप सुरजेवाला की यह बाइट सुन लेते हैं। 2100 और 1509 पे तो ज्यादा कीटनाशक दवाई परमिटेड है और हिंदुस्तान वाली पे है नहीं। हमारे किसान को यह सजा मिली, इसलिए इस बार जब आपकी जिंस बाजार में आएगी तो 1000 रुपया क्विंटल टूट कर बिकेगी। इसके लिए दो आदमी जिम्मेवार हैं। पहले आदमी का नाम है श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे का नाम है खट्टर साहब। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कपास और जीरी लगाने वाले किसान के साथ एक गंभीर षड्यंत्र कर रही है। हरियाणा, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत अंबाला के किसान को यह जानने की भी जरूरत है। यह पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने ये जरूरत की कि खेती के ऊपर टैक्स लगाया। 70 साल में किसी की यह हिम्मत नहीं हुई कि किसान की खेती के ऊपर टैक्स लगा सके, परंतु खाद पर 70 साल में 0% टैक्स था। अब आपकी डीएपी और यूरिया पर 5% टैक्स है जो मोदी जी और खट्टर साहब की सरकारें लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार खेती के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। हमारा जो डीजल है, जो ईंधन है, गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, 38 रुपया लीटर टैक्स लेती है दिल्ली की सरकार। हर एक लीटर पे 38 रुपये का टैक्स और 6.5 रुपया लीटर का टैक्स लेती है हरियाणा की सरकार। 42.5 रुपये लीटर का टैक्स आज डीजल के ऊपर है। अगर आप 500 लीटर डीजल छोड़िए 300 लीटर भी इस्तेमाल एक सीजन में करें तो 300 जरा 42.5 छोड़िए 42 से गुणा कर लीजिए तो लगभग 12,000 रुपये का टैक्स है। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले दिल्ली और हरियाणा की सरकारों ने 2,000 रुपये कुछ किसानों के खाते में डालकर वाहवाही लूट ली, परंतु 12,000 रुपया आपकी जेब से निकाल लिया। 10,000 रुपया ले लो और साथ के अंदर वाहवाही भी लुटवा लो। यह पहली सरकार है जिसने यूरिया के कट्टे में से सरकार ने 5 किलो खाद चोरी कर लिया। डीएपी के कट्टे से इन्होंने 350 रुपये बढ़ाए। फास्फेट और सुपर के कट्टे के ऊपर इन्होंने 1000 रुपया बढ़ाए। ये हालत आज किसान की है जो आत्महत्या की ड्योढ़ी पर लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा कर दिया। और किसान के साथ काम करने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आढ़ती की, दुकानदार की स्थिति इससे भी बुरी है। कभी तो खट्टर साहब उनके पेट पर लात मारने के लिए कह देते हैं मंडी के सब साथियों को ऑनलाइन बिक्री करवाया करूंगा। आढ़तियों की कोई जरूरत नहीं, मंडी, मार्केट यार्ड, सब मार्केट यार्ड की कोई आवश्यकता नहीं। कभी आढ़ती और व्यापारियों को ये कहकर डराते मैं तो डायरेक्ट पेमेंट बैंक के खाते में किसान के किया करूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।